अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ की जानिब से मैं हूं अशमत जानी और आप सबको ईद मुबारक। सबसे पहले आप देखेंगे अब तक की हेडलाइंस। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन है, गले हमको लगा हर तरफ मुस्कुराते चेहरों और रंगों की बरसात, ये सब है ईद की सौगात। लोग गले मिले तो भूल गए पुरानी हर बात। करारे करारे नोटों की मिली जो ईद, तो प्यारे बच्चों से कुछ नहीं बईद। झूलों पर लगा ऐसा रश कि सब कहने लगे बस भाई बस। मुल्क भर में नमाज ईद के रूह परवर इस्तेमाल, मुल्क की सलामती, कौमी यकजहती और खुशहाली के लिए दुआएं, हर चैलेंज से निमटने का अज़्म। खुशबू ऐसी के दिल में उतर जाए, जायका ऐसा कि कोई बच ना पाए, ईद के दस्तरखान पर रबड़ी सजे तो फिर कौन है जो इससे बचे। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मौसम हुआ सुहाना, बच्चों और बड़ों को बागों में जाने का मिल गया बहाना। क्वेटा में खुदकुश हमले का निशाना बनने वाले बस ड्राइवर जावेद के घर, ईद पर उदासियों के डेरे, बच्चों के चेहरे गमगीन। सबको ईद की खुशियों की लगन, लेकिन नर्सिंग और अस्पतालों का दीगर स्टाफ लोगों की खदमत में मगन। मकबूजा कश्मीर में नमाज ईद के बाद भारतीय हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, पुलिस को गाड़ी छोड़कर भागना पड़ा। माजी की तलख यादें भुलाने के लिए अफगानिस्तान ने दरसे कुतुब से तारीख के 40 साल ही निकाल दिए। और अंडर 19 वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को शिकस्त, भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया। दुनिया न्यूज से अभी आपने देखी अब तक की हेडलाइंस। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ईद के रंगों की, एक ब्रेक के बाद।